हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये लॉन्ग राउंड कुशन बनाएंगे। तो इसमें मैंने इसमें रुई भरना और पूरा स्टिचिंग का वीडियो बनाया है, तो चलिए बनाते हैं। राउंड पिल्लो बनाना शुरू करते हैं। राउंड पिल्लो बनाने के लिए कपड़ा मैंने लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसे पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा अंदर ही रहता है। यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई पुरानी बेडशीट है तो उसका भी हम साइडों से कपड़ा ले सकते हैं। ये कपड़ा ले लिया है मैंने, ये इस तरह से मैंने डबल में रखा है। मैं यहाँ से इसकी कितना रखना है वो लेंगे, तो यहाँ पे मैं रखूँगी 14 इंच, 14 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए आ जाएगा। तो इस कपड़े को मैं इस तरह से यहाँ से फोल्ड करूँगी क्योंकि जो यहाँ का कपड़ा है वो हमारा थोड़ा काम आ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया है। अब ये हमारा 14.5 इंच हो गया है। अब यहाँ से हमें लंबा लेना है, कितना हमें रखना है, तो यहाँ से मैं रखूँगी 28 इंच। यहाँ से 14 लिया है, उसका डबल कर लेंगे 28 इंच, और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से हमें। तो इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाया है, इसकी हमें लाइन लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ तक 14.5 लिया है और यहाँ से यहाँ तक 28 इंच लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बाकी आप अपने हिसाब से लंबा चौड़ा कम कर सकते हैं। अब ये निशान लगाया है, यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है और ये भी हमें अलग कर लेना है यहाँ से। तो कटिंग मैंने कर दी है, अब इसे उठा के हमें इस तरह से रखना है। तो ये हमारे पिल्लो कवर की ये जॉइंट वाली साइड है, ये ओपन साइड है। यहाँ से मैंने निशान लगाया है, यहाँ तक लगाया है, यहाँ तक सिलाई आएगी और 6 इंच हम छोड़ लेंगे, यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे। और ये है हमारा, यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगा दी है मैंने, ये इतना स्पेस हमारा ये इस तरह से रहेगा। यहाँ से रुई डालेंगे बाद में। इसके बाद ये साइड से कपड़ा जो निकला था हमारा, इसी को हमें डबल कर लेना है। इस तरह से डबल कर लेंगे। इस तरह से कोई कटोरी ले लेनी है, राउंड या ढक्कन वगैरह भी हम ले सकते हैं। इसको ऐसे रखना है और यहाँ से ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लग गया है। अब इसी तरह हमें कटिंग कर लेनी है इस निशान के ऊपर, थोड़ा थोड़ा बाहर से कट करेंगे। कटिंग मैंने कर दी है, तो ये राउंड हमारा 4.5 इंच तक है, इतने 4.5 इंच लेना है। 2 राउंड बन के रेडी हुए हैं। तो 2 राउंड है हमारे, दोनों साइडों में जाएंगे, इस साइड में और इस साइड में। अब इस राउंड को इस तरह से करना है, ये मैंने ऐसे डबल कर लिया। यहाँ से कट लगा लेना है, तो हमें ध्यान रहेगा यहाँ से, और ये भी हमें यहाँ से कट लगा लेने हैं। तो इस तरह से बन जाएगा ये कट लगा के। अब देखिए इनको हम कैसे सेट करेंगे इसमें, तो यहाँ भी हमें कट लगाना है एक, ये हमारा सिलाई का है ऑलरेडी। और यहाँ से भी तो 4 कट इसके हो गए हैं, 4 ही इसके हो गए हैं। यहाँ पे हमारे क्या प्लीट्स आने हैं, तो बराबर प्लीट्स आए इसलिए हमें इस तरह कट लगा लेने हैं। अब ये दोनों को हमें यहाँ मिलाना है, जैसे इसका कट है, ये दोनों का कट मिला लिया और यहाँ पे लगा दी पिन। अब अगला कट है हमारा ये, और ये दोनों को मिला के यहाँ पर पिन लगा देंगे। उसके बाद ये हमारा सिलाई का आएगा, और इसका जो कट है उसके ऊपर लगाएंगे। इसका कट ये है, तो यहाँ पर पिन लगा देंगे। उसके बाद ये कट है, लास्ट है, दोनों को मिला के ऐसे पिन लगा देंगे। अब देखिए ये पिन्स लगा दी हैं, तो ये कपड़ा हमारा यहाँ पे बराबर आया है। अब जैसे इतना पार्ट में लेके बताऊंगी आपको, तो यहाँ पे हमें इस तरह से प्लीट डालने हैं, ऐसे डाल दूंगी मैं, पिन लगा दूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जो हमारा खाना है इसमें मैंने पिन लगा के इस तरह ये प्लीट्स डाल के पिन्स लगा दी हैं, तो ये सेट हो गया है। अब अगला ये प्लेस है, ये भी हमें यहाँ पे प्लीट्स डाल देनी है और इसके बराबर हमें सेट कर देने हैं ये सारे। ये देखिए सारा मैंने पिन लगा के इस तरह से सेट कर दिया है, और ये प्लीट्स भी डल गए हैं। अब हमें यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो ये पिन्स जैसे अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह से पिन लगा लें, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर सिलाई लगा दी है, ये सारे प्लेट्स आगे हैं। अब इसको हमें सीधा करना है यहाँ से, तो ये मैंने ऐसे सीधा कर देना है। तो दूसरी साइड भी मैंने लगा दिया है यहाँ पे, तो पिल्लो कवर को मैंने सीधा कर दिया है। ये देखिए हमारे इस तरह से ये राउंड में आ गया है, ये पूरा इस तरह से आने चाहिए प्लेट्स हमारे ऐसे राउंड में। और ये दूसरी साइड है, ये भी इसी तरह से ऐसे लगाया है। ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हमें रुई फिल करनी है, यहाँ से करेंगे। तो ये मैंने रुई ली है, रुई को क्या हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसको कर लेंगे तो ये थोड़ी फ्लफी हो जाएगी इस तरह से करके। ये पुराने पिल्लो की है जैसे, तो इस तरह से हमें इसे थोड़ा थोड़ा खोलना है। देखिए कैसे फूल रही है इस तरह से। हो सके तो धूप में भी हम रख सकते हैं, एक दो घंटा धूप में रखेंगे तो और भी हमारा ये फूल जाएगी रुई। अब इस रुई को हमें इस पिल्लो के अंदर डालना है, तो ये होल है, यहाँ से हमें इस तरह डालना है। तो अच्छे से सेट कर लेना है इन कॉर्नर में, इस तरह से डालते जाएंगे और सेट करते जाएंगे अंदर ही इसमें। ये कॉर्नर हमें पहले जरा अच्छे से सेट कर लेने हैं, उसके बाद सारी रुई हमें इसी तरह फिल कर देनी है। देखिए सारी रुई मैंने इसमें फिल कर दी है। इसके बाद हमें जैसे इस तरह की कोई डंडा ले लेना है, उससे हमें इस तरह रुई को बराबर कर लेना है। इससे क्या रुई चारों ओर बराबर हो जाएगी। तो ऐसे हमें 5 मिनट इसे थोड़ा इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद अब ये हमारा रहा है, इसे हमें सिलना है, तो इसे हमें नीडल से ही सिलना पड़ेगा। यहाँ पर डबल धागा डाल लिया है मैंने और यहाँ पर छोटे छोटे स्टिच लगा के हमें इसे कंप्लीट कर देना है सिल के इस तरह से। ऐसे छोटे छोटे स्टिच लगाने हैं जो हमारे दिखें भी ना, इस तरह से हमें एकदम फिनिशिंग के साथ स्टिचेस लगा के ये पूरा कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे हमें 2-3 नोट लगानी है जिससे ये खुले ना हमारा, क्योंकि बाद में खुल सकता है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से इसे इस तरह से सेट करके इस धागे को कट कर लेना है। तो ये सिलाई लग गई है। इसके बाद भी हमें इसे इस तरह से इसके साथ थोड़ा ठोल ऐसे करना है, जिससे क्या रुई हमारी चारों ओर एकदम बराबर हो जाएगी। कि हमारा ये राउंड पिल्लो बनके रेडी हो गया है। तो ये हमारा एकदम फुल साइज बना है। अगर आपको छोटा बनाना है तो 2-2 इंच आप छोटा कर लें। तो ये देखिए हमारा ये साइडों में इस तरह से बना है, ये साइड है और ये दूसरी साइड है। तो ये अंदर का हमारा रेडी हो गया है। इसका जो कवर है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से बनाएंगे। फ्रेंड्स आप भी इस तरह से अपने राउंड पिल्लो को बनाएं, जैसे आपका पुराना भी है उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं इसी तरह से। वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में।